हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी से जुड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, x²-6x+8 का फैक्टर करना है, यानी इसका गुणनखंड बताना है। तो गुणनखंड में हम मिडिल पार्ट को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे 6x, और चूंकि ये प्लस है तो ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। तो हम लिख सकते हैं 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, और 4 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं x²-4+2x, क्योंकि प्लस है तो प्लस ही होगा 8। x² और 4 का x में करेंगे तो हो जाएगा 4x, माइनस का प्लस में करेंगे तो ये हो जाएगा -2x+8। अब इसको दो दो टर्म में तोड़ लेंगे, दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो दोनों में x कॉमन है, तो दो में से एक निकला तो x-4 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x-4 हो जाएगा। और कोई भी फैक्टर, उसका रूल होता है कि लास्ट में दोनों जो टर्म आते हैं ब्रैकेट में उसी में आते हैं। अब हम कॉमन करेंगे x-4, तो x-4 जब कॉमन करेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे x और यहाँ पे -2। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो आज का दूसरा क्वेश्चन है, x²+13x+42=0, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इसका भी फैक्टर करके x की वैल्यू आपको बताना है कि x के विकल्प में से कौन कौन से वैल्यू होंगे। तो इसका भी फैक्टर ही करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे क्या, x²+, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ऐड करने पे 13 लाना होता, अगर माइनस होता तो सबट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7+6x, क्योंकि 7 में 6 का करेंगे तो 42 हो जाएगा, और 7 में 6 ऐड करेंगे तो 30, और 42=0 ऐसे लिखते रहेंगे। x², 7 में x का किए तो 7x, और 6 में x का किए 6x, +42=0। अब फिर वही फैक्टर में दो दो टर्म बना लेंगे, यहाँ पे दोनों में देख रहे हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x, यानी x कॉमन, कॉमन का मतलब भाग, तो दो घात है, एक घात निकलेगा तो बचेगा x, और यहाँ पे 7x से x से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया कैंसिल, यानी यहाँ पे 7 बचा है, प्लस 6 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x 6 7 जब 42। आप यहाँ देखिए, यहाँ भी दोनों में सेम आ गया। अब लिख सकते हैं x+7 जब कॉमन करेंगे तो x, और यहाँ 6 बचेगा, x+6=0। अब हम क्या करते हैं, अब दोनों को एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार इसको 0 के, यानी x+7=0 दब लेंगे, तो प्लस को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा -7, और इसको भी x+6 को ट्रांसफर तो x=-6, तो आपका विकल्प हो जाएगा -7 एंड -6, जो कि आपका है बी। तो तीसरा क्वेश्चन है, वो भी एनटीपीसी 2016 में 18 अप्रैल को पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका है fx=2x²-5x+2, तो कह रहा है कि इसका एक सही फैक्टर चूज करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अभी तक जो आप फैक्टर पढ़ रहे थे उसका कोफिशियंट एक्स का नहीं था, लेकिन जब आता है तो फर्स्ट का थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया। अब मिडिल पार्ट को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4 और ऐड करने पे 5, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिख सकते हैं 5x=2x²-4+1, क्योंकि 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 x और +2। fx को ऐसे लिखते रहेंगे 2x² 4 का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x, माइनस का प्लस में करेंगे तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि अंदर का साइन चेंज होता है, 1 का x में करेंगे तो x और +2। फिर दो दो पार्ट में डिवाइड इसको कर लेंगे, तो fx=, दोनों में देख रहे हैं कि 2 भी है, x भी है, 2 है, और x जो सबसे छोटा टर्म होता है वही कॉमन होता है। तो ये बचा आपका x², कॉमन का मतलब आप डिवाइड कर रहे हैं, 2x² में जब 2x से कर रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल, और 1 x से, यानी क्या बचा x, तो फिर 2 2 = 4, यहाँ पे बचेगा -2, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है, 1 कॉमन सब में होता है, तो 1 जब कॉमन करेंगे तो ये x हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस है ये प्लस है, तो ये भी हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा। तो fx=, यहाँ भी देखिए सेम आया, अब x-2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचा है आपका 2x, और यहाँ पे बचा है 1,
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक विकल्प मिल गया है x माइनस टू, जो कि विकल्प नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कई बार रेलवे के एग्जामिनेशन में लगातार कई शिफ्ट में पूछा है 2016 में ही। 100 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 1000, और 9 का करेंगे तो 8100, यानी 19x² इसको सबट्रैक्ट करेंगे 0 0, और यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1, यानी x² = 1900/, नीचे मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड हो जाता है, यानी 19 इसको डिवाइड करेंगे तो 100 टाइम है, x² = हो जाएगा 100। अब आपको पता है कि स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो ये अंडर रूट में हो जाता है, और इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 10 हो जाएगा, यानी आपका जो विकल्प नंबर है हो जाएगा ए। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही। आज के जो पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग का टारगेट आज भी है 5 ही क्वेश्चन का, तो लास्ट क्वेश्चन आज का जो है x+√x=20। इसके चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें √x की वैल्यू क्या होगी, सॉरी x की वैल्यू इसमें फाइंड करना है, क्योंकि आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो तो x की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहली बात, दो तरीके होते हैं क्वेश्चन, एक तो आप स्क्वायर करके भी लगा सकते हैं, दूसरा ये तरीका है विकल्प द्वारा। तो हम देख रहे हैं 12, 12 किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, 18 किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 20 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है। अब बचा केवल 16, 16 ही एक ऐसी इन चारों विकल्प में संख्या है जिसका स्क्वायर रूट होता है, और आपको 20 लाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर कोई चाहिए जिससे कि 20 आ जाए। तो हम 16 रख के देखते हैं, 16+√16, यानी 16 को बाहर निकालेंगे तो 4, यानी हो जाएगा 20। इसका मतलब ये होगा कि x की जो वैल्यू आएगी वो 16, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।